जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की जो फसल खराब हुई थी उसका जो मुआवजा दिया गया वो 33% मुआवजा दिया गया है, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं और किसानों को इससे कितना लाभ होगा? मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब ने जब उपचुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा के चल रहे थे उस समय किसानों को आश्वासन दिया था कि हम इसकी किसानों की पूरी भरपाई करेंगे और उनको मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार देगी। उसी तारतम्य में 2 और 3 महीने बाद उन्होंने जो राशि दी है पेपरों में तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया उनने 1600 करोड़, लेकिन जब हम धरातल पर पहुँच रहे हैं तो धरातल पर स्थिति ये है कि मात्र 33% राशि किसानों के खातों में पहुंच रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चूंकि वो भी इसलिए ताबड़तोड़ राशि दी गई है कि इस समय दिल्ली में पूरे भारत के किसान आंदोलनरत हैं। उनका सोच है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा किसानों के मुंह में अगर डाल देंगे तो शायद मध्य प्रदेश के किसान उस आंदोलन में सरकस्त नहीं करेंगे, ये उनका सोच है। इसलिए राशि उन्होंने ताबड़तोड़ मात्र 33% मतलब 1000 रुपये से लेकर और 5000-7000 रुपए तक किसानों के खातों में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार के ब्लॉक के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको साधने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीधी सीधी बात है, वही किसान सम्मेलन के माध्यम से ही उन्होंने 1600 करोड़ राशि का अनाउंस किया और मध्य प्रदेश के किसान उस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका ना दिखा सकें इसलिए उन्होंने किसान सम्मेलनों के माध्यम से उनको बुलाने का काम, उनको गुमराह करने का काम, उनको किसी भी तरह विचलित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान संगठन के लोग और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली जाके उस आंदोलन में सरकस्त ना कर सकें, ये उनकी सोच है। मध्य प्रदेश सरकार पिछले लगभग 1 वर्ष से पूरे शिक्षा जो हमारे छोटे छोटे बच्चों की पहली क्लास से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन तक स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन शिक्षा देने के माध्यम से एक जो गुमराह किया जा रहा है, इसका जीता जाता और जाता उदाहरण है। आप लोग सब इस बात को भली भांति रूप से समझ रहे हैं कि शिक्षा पे इतनी जटिलता से रोक, मध्य प्रदेश में हजारों लाखों की भीड़ लेकर लगातार रैलियाँ, लगातार विधानसभा के चुनाव, और तो और अभी फिलहाल में ही मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली ना पहुंचे इसलिए महासम्मेलन किसानों के ये लगातार जारी हैं और हमारे जो युवा हैं उनके साथ निश्चित तौर पर, उनकी पढ़ाई के साथ निश्चित तौर पर कुटाराघात किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के हर युवा से भी आप जाके पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी इस बात का चश्मदीद गवाह है।